नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप हेज अने हेव विषे शीखीशू। यूज ऑफ हेज। जारे कोईपण वाक्य की शुरुआत ही सी ने ईट थी थती हो तो ते वाक्य की साथ हेजनो उपयोग थाय छे। गीता हेज अ फ्लावर। गीता एक छोकरी नाम छे। छोकरी एटले सी, तो सीनी साथे शू लागशे? हेज लागशे। तो गीता हेज अ फ्लावर। रोहन हेज अ बाइसिकल। रोहन एक छोकरानु नाम छे। एटले ही, तो हीनी साथे शू लागशे? हेज लागशे। रोहन हेज अ बाइसिकल। अ काव हेज हॉर्न्स। अ काव एटले शेमा आवशे? ईट। तो ईटनी साथे शू लागशे? हेज। तो अ काव हेज हॉर्न्स। एन एलिफंट हेज अ ट्रंक। एन एलिफंट एटले ईट। तो ईटनी साथे हेज आवशे। द मंकी हेज अ टेल। द मंकी में पण ईट, एटले ईटनी साथे शू लागशे? हेज लागशे। तो आपणे जोई गया हेज एटले के कोईपण वाक्यमां ही सी ने ईटथी शुरुआत थती हो तो तेमा हेजनो उपयोग थाय छे। त्यार पछी यूज ऑफ हेव। ज्यारे पण कोई वाक्यमां आई वी धे यू थी शुरुआत थती हो तो ते वाक्यनी साथे हेवनो उपयोग थाय छे। आई हेव अ न्यू बेग। आई छे तो शू लागशे? आईनी साथे हेव, एटले आई हेव अ ન્યુ બેગ। ધે હેવ અમ્બ્રેલા। ધે છે એટલે ધેની સાથે હેવ લાગશે, એટલા માટે ધે હેવ અમ્બ્રેલા। મંકીઝ હેવ લોંગ ટેલ્સ। મંકીઝ એટલે બહુવચન થશે, એટલા માટે મંકીઝ હેવ લોંગ ટેલ્સ। આઈ હેવ અ બેટ। આઈ છે એટલે એટલા માટે આઈની સાથે હેવ આવશે, આઈ હેવ અ બેટ। ધે હેવ બેટ્સ। ધે છે એટલે ધે, ધેની સાથે હેવ આવશે, એટલા માટે ધે હેવ બેટ્સ। આ પ્રમાણે જ્યારે પણ વાક્યની શરૂઆત આઈ વી ધે કે યુથી થતી હોય તો તેમાં હેવનો ઉપયોગ થાય છે।